हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद यतिमन। कर्मचारी चयन आयोग बिहार की तरफ से वैकेंसी आई है। कुल पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो 11,098 हैं और सभी अभ्यर्थी यहां पर फॉर्म फिल कर पाएंगे क्योंकि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहां पर 12वीं मांगी गई है। आप लोगों ने अगर 12वीं कंप्लीट की हुई है, आपके हाथ में मार्कशीट है, तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में कंप्यूटर का डिग्री या डिप्लोमा यहाँ पर चाहिए। मैक्सिमम एज 37 ईयर है। परमानेंट जॉब है, सरकारी जॉब है। सभी राज्यों के स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर विज्ञापन संख्या जो है 2/23। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 27 सितंबर और आवेदन की अंतिम तिथि, काफी समय मिलेगा इसमें, 11 नवंबर तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। केवल ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। यहां पर वैकेंसी की जो संख्या है, जितने भी पद हैं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है इंटरमीडिएट ही मांगी गई है। बहुत सारे विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो अगर आपने 12th कंप्लीट किया हुआ है तो ही आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट 12th का एग्जाम देंगे तो वो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यहाँ पर 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। तो कुल अगर पदों की संख्या की हम बात करें तो 11,098 पद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 11,098 जो है कुल पद हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पर वैकेंसी जो है, थोड़ा सा बड़ा करके सबसे पहले जो है पद का नाम जो है निम्न वर्गीय लिपिक है। जितने भी विभाग हैं सभी में निम्न वर्गीय लिपिक की ही वैकेंसी निकाली गई है। क्लर्क की पोस्ट है। पथ निर्माण विभाग में यहाँ पर इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए और साथ में यहाँ पर एक टेक्निकल योग्यता भी मांगी गई है। कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड या प्रोसेसिंग टंकण, यानी कि सामान्य कंप्यूटर की नॉलेज भी है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा विभाग जो है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग है, तो यहाँ पर कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर टंकण की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। गृह विभाग है, कंप्यूटर टंकण मतलब आप लोगों को जो है नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, कंप्यूटर पर काम करने की योग्यता, टाइपिंग की योग्यता। गृह विभाग जो है इसमें भी कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर टंकण की योग्यता मांगी गई है। उसके बाद विधि विज्ञान प्रयोगशाला गृह विभाग, यहां भी 12th के साथ में कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकण। श्रम संसाधन विभाग, इसमें 12th के साथ में हिंदी टंकण, यानी हिंदी में टाइपिंग का ज्ञान आपको होना चाहिए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी जो है कंप्यूटर चलाने का और कंप्यूटर टंकण का ज्ञान, सभी में जो है एक ही चीज मांगी गई है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो बिल्कुल इतनी ज्यादा हायर नहीं मांगी गई है। सभी के पास जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा या डिग्री होती ही है, आज के टाइम में सभी स्टूडेंट करते ही हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर टंकण ज्ञान के इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष। नेक्स्ट जो है यहाँ पर निदेशालय नियोजन प्रशिक्षण विभाग जो है, इसमें भी 12th मांगा गया है, हिंदी या अंग्रेजी टंकण का ज्ञान के साथ कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर किसी ने कंप्यूटर का डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है, यहाँ पर अगर आपके पास RSCIT भी है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर श्रमायुक्त श्रम संसाधन विभाग है, तो यहाँ पर भी वही चीज मांगी गई है। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, टंकण, कंप्यूटर संचालन में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS Word, MS Excel, पावर पॉइंट, यानी यहाँ पर जो है आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज मांगी गई है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग से है वैकेंसी, तो साइंस में केवल 12th मांगा गया है, यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज भी नहीं चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में टंकण मांगा गया है 12th मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से। यहाँ सहायक अनुदेशक की वैकेंसी है और सैलरी भी जो है यहाँ पर बताई गई है, Level 2, Level 4 के अकॉर्डिंग जो है मिलेगी। नेक्स्ट जो है यहाँ पर निम्न वर्गीय लिपिक में नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय आपदा प्रबंधन विभाग, तो यहाँ पर भी यही मांगी गई है। तो ये चीज मैंने आपको दिखा दी है। राजस्व भूमि विभाग में यहाँ पर 12th मांगा गया है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कंप्यूटर नॉलेज भी नहीं मांगी गई है। नेक्स्ट पंचायत सचिव, यहाँ पर इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण और साथ में कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पर मांगी गई है। यानी कुछ वैकेंसी ऐसी है जहाँ पर केवल 12th ही मांगा गया है, जैसे राजस्व भूमि सुधार विभाग है, कंप्यूटर की नॉलेज भी नहीं चाहिए। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के पास जो है वो रहती ही है इतनी, क्योंकि 12th
जो जॉब सर्च करते हैं स्टूडेंट, तो 12th करने के बाद जो है जॉब सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, कंप्यूटर का कोर्स भी वो लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुल जो संख्या है जनरल कैटेगरी में 11,098 में से जनरल कैटेगरी की जो संख्या है वो 5,064 है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हमने बता दी है, 12th चाहिए और साथ में न्यूनतम शैक्षणिक जो टेक्निकल नॉलेज है वो आपकी मांगी गई है कंप्यूटर में। आरक्षण जो है बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, यानी जनरल में जो है काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट बहुत सारी चीजें हैं बट हम इम्पोर्टेंट चीज ही देखेंगे जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए काफी रहेगी। उम्र सीमा जो है यहाँ पर 18 मिनिमम है और 37 पुरुष जनरल जो पुरुष हैं उनकी 37 है और महिला की 40 वर्ष रहने वाली है, बाकी जो है पिछड़ा वर्ग बिहार राज्य के तो उनकी 40 वर्ष है और उसके बाद जो है SC ST की 42 है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में पुरुष की 37 है, महिला की 40 वर्ष है। परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ₹540 आपके लगेंगे जनरल कैटेगरी के। बिहार के स्थानीय जो निवासी हैं उनके ₹135 यहाँ पर लग रहे हैं। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी या पुरुष, यानी कि कोई किसी भी कैटेगरी के हो दूसरे स्टेट के बिहार राज्य से, तो उनके ₹540 यहाँ पर लगने वाले हैं। परीक्षा होगी यहाँ पर, परीक्षा की प्रकृति जो है वो वस्तुनिष्ठ रहने वाली है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा जो है यहाँ पर एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, सामान्य अध्ययन साइंस मैथ और जो है रीजनिंग मेंटल एबिलिटी आपकी पूछी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कहा है कि सामान्य वर्ग के 40% मार्क्स जो है वो आने ही चाहिए तभी जो है वो पास माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 27 सितंबर है, लास्ट डेट रहेगी 11 अक्टूबर। ये इसकी मेन वेबसाइट है, ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27 से प्रारंभ होंगे, अभी जो स्टार्ट नहीं है 27 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद जो है। हाँ, एक बात जो है इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बिल्कुल अलग से ये चीज मेंशन कर दी गई है कि फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी गलती ना करें, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग की मेन वेबसाइट पर उपलब्ध है और आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा, बाद में जो है वो विचार नहीं किया जाएगा कोई भी सुधार या परिवर्तन का। तो इसलिए बहुत अच्छे से जो है फॉर्म भरिएगा क्योंकि चेंज करने का जो है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है, केवल 12th ही मांगा गया है और इसके अलावा जो है आपकी परमानेंट सरकारी नौकरी ये रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन 27 सितंबर से स्टार्ट होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।